पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बिंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज पहुंच के गांव सुंडाणा जिला रोहतक में रविंदर भाई के पास में। आज की वीडियो में बहुत ही शानदार पशु दिखाएंगे, बहुत ही शानदार सेहत का, और प्रदर्शनी में भी लगाया है और वहाँ पर भी चैंपियन बनी है। कौन सी कैटेगरी में और कितना दूध दिया है, कौन सा ब्यात है, सारी बात पूछेंगे भाई। और कीमत हर बार की तरह वीडियो में ही पूछेंगे अगर सेल करनी है तो। रविंदर भाई राम राम। राम राम भाई। एक बार दर्शक ना और कर दो राम राम। सभी दर्शक ना राम राम भाई। रविंदर भाई कितने पशु हैं अपने घर पे? अपने घर पे पशु हैं भाई ये दो भैंस हैं, दो ये कटड़ी हैं। अच्छा, दो भैंस हैं, दो कटड़ी हैं भाई। हाँ। तो पशुपालन का जो शौक है, इतना शानदार पशु आपके घर पे है भाई, वीडियो में भी आपने शुरुआत में ही देख लिया होगा और पूरी जानकारी लेंगे तो भाई साहब एक बार इसके बारे में जानकारी दो, पूरी डिटेल बताओ रविंदर भाई। भाई साहब भाई संभाले अगर है। हाँ जी। वो ही बताओगा इसकी सारी वह। अच्छा, अपना भाई है नरेंद्र। हाँ, पहलवान। नरेंद्र। राम राम पहलवान। राम राम भाई साहब, बहुत सुनो क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया जी। एक बार दर्शक भाई आपने भी मावी बैंस के ना फिल्म बना रहे हो। हमने तो आज तक बनवाई नहीं थी, पहली बार बनवाने लायक रही। अच्छा जी। बस थाना यूट्यूब पर देखा, आपका नाम बड़ा सुनया है। अच्छा, और बढ़िया आपकी प्रसिद्धि हो रही है भाई। और बोला इसलिए लिया भाई फिल्म में, भैया है ना हमारा भी जी कर गया था बनाने का। और भाई भैंसे देख लो। बिल्कुल जी, देख ले भाई। आज तो पहलवान जी ने तोड़ कर दिया बोलन में, बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी इनकी जो वार्ता है, अच्छा बोलने का तरीका है। और जिस ही शेत मारे पहलवान जी की है उसी अपनी भैंस की भी पाओगे। वो तो भाई अपना काम जमींदार का भाई साहब। बहुत बढ़िया पहलवान भाई। पशुधन को अपना देहात में खेती है या अपनी पशुधन की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जमीन तो जुड़े हुए दोनों काम है, अपना खेती और ये अपना भैंसा का। तो जी इसने आप कौन से काम तक खरीद के लाए भैया? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से खारियावास से लाए थे भाई साहब। कौन से ब्यात में जी? भैया पिछले ब्यात में लाए थे, अगला के पिछले बार में ये खारकी भैंस लगी। जब भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इसका पहला इनाम आया था, दूसरी बार फिर भिवानी लगी और एक बार पंजाब में भी जीत के आई है भाई। वो जो भाई खारियावास वाला है। हाँ। उसके पास में इसने तीन प्रदर्शनियां में चैंपियन बनी है यार। हाँ, तीन बार नाम, दो बार उसके ब्याई ब्याई भी लाए थे भैया। कटड़ी है। अच्छा जी। यह साल भर की कटड़ी होगी, साल भर में ब्याह जाएगी, 11 महीने की कटड़ी है। आप जब इसने लेकर आए दूसरे ब्यात में। हाँ। या ब्यारी थी, गबन थी या भाई साहब ब्याजी थी? अच्छा। हाँ, इसने ब्याई भी आप लेकर आए? लेके आए भाई साहब, इनाम लाग रही थी हम तो ना। अच्छा, इनाम मा तो पंजाब। खून पी इस भैंस ने, एक साल हो गई ब्याई ने, इत तक नया दूध होके नहीं दे रही। ओए प्रीतल के इधर क्यों छोम हो रही है? बाबू छोम में क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊ जीरी, इस भैंस ने खून पी लिया, एक साल हो गया नए दूध नहीं होती। इसकी दवाई दम है बता दो। हाँ भाई। ई बिलाया लेता हूँ मेरे संगे, यो न्यूट्री डाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मुन्ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। मत लाया था। अच्छा, एना मत लगी पाँच इसके 22 किलो का रिकॉर्ड में लगी थी। अच्छा, तो भी उसके लेने के बाद भाई महाराज जी कर गया भाई बढ़िया भैंस चमका भाई। यानी के अगले के 22 किलो दूध निकाले, इन्हें रिकॉर्ड करवाया उस भाई ने। रिकॉर्ड है भाई साहब, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी रिकॉर्ड है, पंजाब में भी रिकॉर्ड, पंजाब प्रदर्शनी में लगी थी। पंजाब प्रदर्शनी में भी 22 किलो इसने निकाला है। और यह कटड़ी है इसके नीचे। और बताऊं भाई साहब, यह खर की ब्याई ना, जब से इसके गाहक थे भाई। अच्छा जी। वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट वाला नाट गया था, मना कर गया था, फिर इन तय हमने न्यू का पता दे के आप बताए थे। मैं बेचो ना भाई साहब, महंगा तो बताइयो। अच्छा जी। फिर उसके मन जितने मांगे उतने रुपये के हम दे के आए भाई साहब। उतने आप उसने दे के आए, खरीद के लेके आए। तो 22 किलो जी इसने अपने घर पे दूसरे ब्यात में निकाला है, कट्टे के तोल का। कट्टे के तोल का भाई साहब, कटड़ी का तो न्यू के न्यू ना, कति दो थना के लिए चुंगाया करते इस तलक थे। तो इसका मान लिया हम 23-23.5 किलो दूध मान लिया दूसरे ब्यात का। ठंडा दूध, बिल्कुल ठंडा दूध। हाँ। तो भाई इतना दूध इसने दूसरे ब्यात में, और 22 किलो में तो कोई धोखा ही ना। ना 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 भाई साहब, ऑन द रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड में। अगर किसी को वो है भाई तो बहने के बाद अगला अड़क घर आपके ले जाएगा भाई। जो भी चैलेंज है भाई। बहुत बढ़िया पहलवान जी ने बात कही है, नरेंद्र नाम पहलवान जी। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया बात कही भाई के किसी ने धोखा लग गया था भाई, नाप के ले जियो। तीसरे ब्यात में भी
कह के दिन की गुंजाइश रह रही इसमें भाई? 24 तारीख ने पूरे दिन होंगे। अच्छा 24 अगस्त ने पूरे हाँ, दिन 16 तारीख हुई है। हाँ। और बताऊं अगला कहना जब ब्याह करती जब 5-6 दिन ऊपर लिया करती भाई ऊपर लिया करती तो मान लो सितंबर के अलावा जाके ब्याह होगी या मेरे हिसाब से 28-29 तारीख ने ब्याह होगा। आज जो साइज है ना भाई आप देख रहे हो इसका यो ऐसे है तो यो स्त्रिया का हो जाए पलवन जी भाई साहब चाल ना होगी चाल नहीं आती ना अभी तो दिखा देंगे आप तो खोल के भी दिखाई भाई साहब पूरा लेवटा है बहुत और इतनी शेत के था भाई बहुत कम सीधा ही पशु पाओ पहलवान जी का ना बाजा बाजा भाई शेत के ऊपर ले आए हाँ शेत भी और दूध भी गिल गिल बतेरा है इसके भाई साहब। एक का होता है हरियाणा में देशी एक अंधा बैठा था तो वो नुबले पर बोला घना ही सुथरा ले आए हाँ और घना ही सुथरा वो अंधा नुबले पर मोटा होगा तो भाई सुंदरता भाई मोटापा तो भाई सारे तो भाई, भाई। मोटापा देखा जाहिर भाई बैठक में पहलवान जी बताओ थे इसी इसी बात तो पूरे दिन बताते रहे हैं भाई ज्ञानी अपने हरियाणे में बते रहे हैं पर सुननिया काट रहे के यो रोला भी है पहलवान जी ना भाई शौकीनी में ले आए हम तो शौकीनी में लेकर आए हैं जी। फिर ईब के विचार है इसका इसने भाई साहब पैसे लाग गए तो सेल कर देंगे ना तो भाई साहब अपना घर भी दूध पी ना तो अपने घर भी दूध पी लेंगे जी। अच्छा है पशु भाई बढ़िया वो भाई महाराज जैसा ले जाएगा और बढ़िया कोसामंद करणिया ले जाएगा तो उस तई सेल कर देंगे भाई। पहलवान जी एक बात बताऊं अपना अगर सेल करनी है ना पैसे और आने नहीं पैसे हमने लगाने हैं भाई साहब मैं बताता हूँ जब महाराज जैसा ले गया ना जो कति पूरी कोसामंद करणी आदमी लेगा तो सेल कर देंगे ना भाई साहब मारी तो है ना ऊषा कुसा व्यापारी तई जो होगा ना ऊषा तई देने की नहीं वो जो बढ़िया अपना कितनिया रखेगा उस तई सेलना तो मेरे जी ला के देखियो। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया चीज तैयार है आज आपके घर पे और भाई कोई इसी जगह ले जाए कि दो दो पहलवान दूध पीते हो उड़ा देकर आज जी बहुत बढ़िया भाई वहां पर सेल करके आज जी है। तो पहलवान जी वीडियो में रेट पूछा अगर हमें आपने भी पता है इस बात का तो न्यू बताओ इसने कितने की सेल करोगे भाई साहब? हमने इसका प्राइस रेट रखा 3 लाख रुपये। तो पहलवान जी इसकी एक कीमत है फिक्स प्राइस 3 लाख रुपये? 3 लाख रुपये भाई इसकी। अगर इस तक कोई कम में लेना चाहोगे भाई तुम बताओ ये भी इस तक घाट के दी जा भाई हम भी तो ले इतने बढ़िया पशुधन कड़े मिलना अलवी आगे मांगा 3.5-3.5 लाख। पहलवान जी आज हम आपकी बात पे बिल्कुल संतुष्ट है सहमत है क्योंकि देखिए हम भी वीडियो बनाओ है कई भाई इस आधे पशु के भी 4-4-5-5 लाख है। भाई साहब आप बताइयो आप इतनी फिल्म बना रहे हो भाई 10% इतनी ठड्डी भैंस भी आई हो तो बताओ। बिल्कुल बात आपकी जायज है। एक जो छाटमा जोटी नहीं कह दिया करें भाई अगर 10 जोटियां बढ़िया में गिनती करें तो उसमें भी नंबर आ है और वो चीज तो इसके सर्टिफिकेट है जो उन तभी साबित हो जाए भैया। पहला वो अपना खारियावास वाले भाई दो रहे सर्टिफिकेट अपने पास भी है भाई ये। हाँ जी दूध का रिकॉर्ड है भाई साहब यो NDDB में भाई दूध का रिकॉर्ड है ये देखिए भाई पूरे लैक्टेशन का दूध भाई ने रिकॉर्ड करवा रखा है इस चीज में ये डिटेल आप पूरी देख सकते हो ये भाई कौन से महीने का ये कौन से का है पूरे लैक्टेशन का इसमें टोटल तो यहाँ पर शायद नहीं लिखा हुआ नहीं तो वो भी बता देते भाई पूरा टोटल कितना दूध है और यो थैला भी देख लो भाई जो दूध रिकॉर्ड करवा होता है यो भी उससे का है ना भाई। हाँ बिल्कुल भाई साहब। ब्याज कौन सा है इसका भाई साहब? तीसरा भाई साहब मेरे हिसाब से तो भाई साहब 24-25 लीटर दूध क्योंकि तीसरे में ज्यादा दूध बनाया करे। तीसरा जो ब्याज तो है वो पीक पोजीशन हो है हाँ, पशु की उसमें हाँ, चोड़ो लिया भाई इतना दूध यो निकाल सके हाँ, है तो 24-25 कम तक कम निकाल लेंगे हाँ, इतना तुम्हारा मानना है हाँ जी। बाकी हूँ परमात्मा दूध अर्पूत कर्म के हूँ भाई। बहुत बढ़िया बात कही है आपने भाई दूध अर्पूत कर्म के आग रहे की वीडियो जो बनाई है जायज कीमत है भाई बिल्कुल जायज है हर तरह से अच्छा पशु है भाई का और कीमत दूध के हिसाब से ही मांगी गई है। एक चीज और पूछनी भूल गया भाई साहब अब कौन से बोलते प्रेग्नेंट है यार भाई अब या टिक्का तय करवा रखिए भाई साहब सिमन रखवा रखे भाई सरकारी द्वारा जो बढ़िया करवाया था बढ़िया टिक्का है जो है ना लग गया था प्रदर्शनी में अच्छा वो बोल की है भाई नाम पता नहीं आप नाम पता नहीं भाई। चलो जी देखिए भाई मैं आपका आगे झूठ बोल दू कती नहीं भैया हमने तो एक चीज और करियो आप दोरे किसी का कॉल का लावे पूछे तो डॉक्टर साहब तक पूछ लियो भाई कौन सा टिक्का है ये बता देंगे भाई उसकी बाद में फिर जानकारी दे दियो भाई यो टिक्का है। फोन नंबर बता दो अपना भाई 98-139-58-895। अच्छा ये एक नंबर और बता दो
एक बात फिर सुन लो भाई, 98 139 58 895 रविंदर डाका नाम है भाई का भाई। अच्छा जी, पहलवान की बात मजा आ गया हो तो कमेंट जरूर कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, और खरीदने वाले जल्दी से जल्दी फोन कर लें क्योंकि कीमत भी जायज और पशु भी बहुत ही बढ़िया है। राम राम सारे ने। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई।